दोस्तों, गरीबी गरीबी मानव विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी और भूख बड़े से बड़े बलवान को भी झुकने पर विवश कर देता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर सुदामा को गरीबी क्यों मिली। दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सुदामा जी बहुत ही धनवान थे। जितना धन उनके पास था, और बल्कि किसी के पास उतना धन नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? इसके पीछे एक पौराणिक रहस्य छुपा हुआ है, आइए जानते हैं। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांग कर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर ही सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगा कर ही ये चने खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। दोस्तों, कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। देखिए समय ने कैसा खेल पलट दिया। ब्राह्मणी के सोने के कुछ ही देर बाद चोर चोरी करने के मकसद से उसकी कुटिया में घुस गए और इधर उधर ढूंढने लगे। चोरों को वह चने की बंधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ही ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग निकले। पकड़े जाने की डर से वह सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। वह आश्रम गांव के ही निकट था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि आश्रम के अंदर कोई घुस आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग निकले। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर वहां से भाग निकले। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझे 3 दिन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी रोज की तरह काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों मिलकर खा लेना, लेकिन ये चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी दृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जीवित रहते ही मेरे प्रभु दरिद्र नहीं हो सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए और सुदामा जी ने दरिद्रता का श्राप स्वयं ही ले लिया।